इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब जो है कि आप अपने पेटीएम वॉलेट के अपने जो है कि फुल केवाईसी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे जो है कि पेटीएम की फुल केवाईसी कर सकते हैं। पेटीएम में दो तरह की केवाईसी होती है, एक मिनी केवाईसी और एक फुल केवाईसी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे फुल केवाईसी, अगर आपका पेटीएम में फुल केवाईसी होगा क्या होता है। आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका मिनी फुल केवाईसी कंप्लीट होगा तो आपके यहाँ पर जो है कि नाम के नीचे टिक लगा होगा वेरीफाइडेड का। तो मेरा जो कि फुल केवाईसी है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे जो कि आप भी अपने पेटीएम अकाउंट का फुल केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल केवाईसी करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ ही जो कि अगर फुल केवाईसी अपने पेटीएम अकाउंट में करते हैं तो आपका यहाँ पे जो पेटीएम बैंक है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है, पेटीएम बैंक। और यहाँ पे पेटीएम बैंक की तरफ से जो कि एक डेबिट कार्ड भी आपको मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को यहां से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर रेड कलर के बटन को दबा दीजिएगा, साथ ही बगल में घंटी आएगा, इसको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल होगा पेटीएम से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उसके लिए आपको पेटीएम का एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं इसका जो है कि केवाईसी वेरीफाइडेड नहीं, यहाँ पे जो कि एरर का सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कैसे करना है आपको, सिंपली जैसे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे में माय प्रोफाइल सेटिंग, तो आपको इसके ऊपर जाना है। और इसके ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि मोबाइल नंबर मेरा शो कर रहा है उसके ऊपर में इस तरीके का। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ऑप्शन आ रहा है केवाईसी डिटेल, उसके नीचे में कंप्लीट योर केवाईसी, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पे जो कि मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, फुल केवाईसी करने से आपको जो भी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको यहाँ पे सारा देख सकते हैं। अभी सिर्फ मेरा जो कि मिनी केवाईसी, तो यहाँ पे जो कि सिर्फ यहाँ पे सभी जो कि सेंड मनी टू फ्रेंड्स, मनी ट्रांसफ़र टू बैंक, ये सभी मेरा जो कि अभी अनलॉक, यानी कि जो कि ब्लॉक है, मैं ये सभी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। फुल केवाईसी करने के बाद ये सभी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर फुल केवाईसी, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। पहले जो कि फर्स्ट ऑप्शन आता था आधार कार्ड, आधार वेरिफिकेशन एट नियर बाय केवाईसी पॉइंट, पहले फर्स्ट में सिर्फ ये वाला ऑप्शन आता था। अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन आया आधार वेरिफिकेशन, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ पे क्लिक करने और आपके सामने जो कि कुछ इस तरीके इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो कि अपना एड्रेस एंटर कर देना है फर्स्ट में, फिर एरिया, स्टोरेज, पिन कोड, सिटी, स्टेट। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को फिल कर लेता हूँ, एड्रेस में सभी यहाँ पे भर देता हूँ। आपका जो भी एड्रेस होगा आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको जो है कि यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेड के आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने आपके सामने यहाँ पे जो कि डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप किस डेट में आप जो है कि केवाईसी के लिए आपके पास यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस डेट में जो कि केवाईसी के लिए वेरीफिकेशन के लिए आप फ्री हैं, उस डेट में जो कि पेटीएम की तरफ से जो कि आपके एरिया पे जो कि आपके केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके जो कि वेरीफिकेशन के लिए आपको आदमी आएगा, तो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना कि किस डेट में आप फ्री हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे जो कि 12 तारीख का सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद टाइमिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं 2 से 7 कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक उसके बाद जो भी आपने एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एड्रेस टाइमिंग यहाँ पे सारा ऊपर में शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव पेन, तो आप में यहाँ पे नो है, तो अगर आपके पास पेन कार्ड होगा ही तो आपको यहाँ से एस कर देना और यहाँ पे जो कि पेन नंबर इसमें डाल देना है। पेन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने पेन कार्ड को जो एंटर कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल केवाईसी वॉलेट एंड फ्री पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। आपको जो है कि यहाँ पे फुल केवाईसी करना है, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के ऊपर टिक कर देना है। और नीचे यहाँ पे जितने भी टर्म एंड कंडीशन है सभी को यहाँ पे पढ़ लेना, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ के आपको सभी टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे में प्रोसीड टू बुक, तो आपको यहाँ से आपको जो कि बुक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी अपॉइंटमेंट बुकेड, आपका जो भी यहाँ पे डेट आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे जो कि सब बुक हो गया। उसके बाद यहाँ से आप जो कि चेंज स्लॉट, यहाँ से आप एड्रेस वगैरह चेंज भी कर सकते हैं।
यहाँ से क्या है कि आपके एड्रेस पे जो है कि आपका एड्रेस पे केवाईसी के लिए आएगा और आपको मैनुअली जो है कि केवाईसी आपका फिंगरप्रिंट जो भी आपने जो कि तो वेरिफिकेशन में पैन कार्ड आपने इसमें दिए हैं आपको केवाईसी के लिए आएगा और आपका केवाईसी पेटीएम का कंप्लीट कर देगा। अगर बुक करने अपनी लोकेशन पे नहीं है या फिर अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटीज हो जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी रीजन से कैंसिल आप क्यों करना चाहते हैं कैंसिल पे यहाँ पे कैंसिल टू अपॉइंटमेंट को फिर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं।